अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित की गई है। बैठक में बताया गया कि अधिनियम के तहत 135 पीड़ितों को 1,22,44,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कर उनके बैंक खातों में प्रदान कर दी गई है। इसमें अनुसूचित जाति के 93 पीड़ितों को 86,50,000 रुपए तथा अनुसूचित जनजाति के 42 पीड़ितों को 35,94,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर दी गई है। बैठक में सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि पीड़ितों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराएं, पीड़ितों को पुनर्वास तथा स्वरोजगार सहायता देने के लिए लागू योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करें, दुष्कर्म से पीड़ित महिला से शादी करने वालों को 25,000 रुपए तथा शादी के बाद स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। पुलिस थानों में पीड़ितों को इस संबंध में जानकारी दी जाए। पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम निवारण के तहत दर्ज प्रकरणों के स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाएं। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज सभी प्रकरणों में राहत राशि का वितरण पीड़ितों के खाते में किया जा चुका है। मऊगंज में विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को जिला स्तरीय जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। हत्या के एक प्रकरण में पीड़ित परिवार को 18,000 रुपए मासिक निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है। समिति की नियमित बैठक आयोजित कर प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की जा रही है। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि वर्तमान तिमाही में चालान के लिए 48 प्रकरण लंबित हैं। एक सप्ताह में इनकी चालान प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि न्यायालय में 1,055 प्रकरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 5 प्रकरणों में आरोपी को सजा हुई है तथा 38 प्रकरणों में बरी कर दिए गए हैं। 2 प्रकरणों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। बैठक में विधायक प्रतिनिधि अखिलेश सिंह, डीपीओ सुशील शुक्ला, एडीपीओ अशोक प्रजापति, विशेष अभियोजक राकेश निगम तथा जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक डीएस परिहार एवं समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।